Hey, sir. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो इसी एरिया में कहीं पर है. ऐसा क्या? कार मिल गई क्या? ए, बात कर रहा हूँ ना मैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जरा चुप बैठेगा. सर सर, हमारी कार मिल गई क्या? सर बताइए सर. देखो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हमारी कार यही कहीं पर है. हमारी कह रहे मतलब आपके भी चोरी हो गई? पेपर में छापोगे? सर, कार में वाइफ भी थी और वो बिना पासवर्ड के वाईफाई जैसी है. देखो, तुम अपना टेंशन मुझे मत दो, हमारी कार यही है. सर, ठीक है सर, मैंने देखा उधर सर, वो सारी कार्स वहीं पर हैं. सुनिए जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारी कार भी गई जी. हम जिस आसानी से कॉलिंग बेल बजाते हैं वो उसी आसानी से कार्स उठाने लगा है. अब चाहे कहीं भी उसे पकड़ रही होगा. सर, वो देखिए वहाँ है कार्स. ओपनिंग मस्त था ना? Hey, कौन है रे तू? बप्पी. तूने ही हमारी गाड़ी चोरी की? चोरी नहीं रही, रिकवरी किया. तू कौन है गाड़ी रिकवरी करने वाला? मारूंगा तो बिना कवरेज एरिया में जाएगा तू. बाप्पी, रिकवरी बाप्पी फ्रॉम HDFC. इलेक्ट्रिक बिल, केबल बिल टाइम पर भर देते हो. ऐसा क्यों? वो कट करेंगे, हम नहीं कट करेंगे, इसलिए लेकर आया हूँ. इज्जत से अपनी अपनी EMI भर दो और कार ले जाओ, और नहीं भरा तो इन कार्स को ऑनलाइन में डालकर बेच दूंगा. अरे मैं हाउस लोन ही नहीं भरता हूँ तो कार लोन क्यों भरूंगा? तो तुझे इतनी कार की क्या जरूरत है? तेरे लिए कार, तेरी बीवी के लिए कार और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए. डुअल सिम है ना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है. तुझे क्या हुआ? मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है. ए, अपनी हालत तो देख लेते दूसरी औरत रखने से पहले. EMI भरने के लिए फोन किया तो तू बैंकॉक में, ऐसा कहा गया था. लेकिन तेरी कार तो पड़ोस में घूम रही थी, इसलिए लेके आया हूँ. बैंकॉक वैसे गया क्यों था? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तू नहीं जानता. MLA से लेकर MP तक सब जानते हैं मुझे. MLA और MP जनता के लिए इतना भी काम नहीं करता है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए वो बड़े काम आता है. आज अपनी अपनी EMI नहीं भरी तो सिर्फ कार ही नहीं बल्कि तुम लोग भी यहाँ से जा नहीं पाओगे. क्या कहा? भागने के लिए तैयार है. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. अंदर लोन भरेंगे. मैं लोकल थाना इंचार्ज हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? दो दिनों में देता हूँ. मैं भी लोकल हूँ, दो दिनों के बाद ले ले. दे दो. तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कौन देगा? सुधर जाओ. चलो चलो सर, आगे बढ़ो. कितना पैसा भरने के लिए कितना? अरे अभी तो पैसे कोई रिकवरी थोड़े गुंडागर दिया. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. सर सर सर, कार तो मिल गई लेकिन वाइफ नहीं है. वाईफाई कहा था ना तुमने? अरे किसी के साथ कनेक्ट हो गया. खुद जाकर ढूंढ. इतने दिनों से कहाँ थी? अपना नंबर बदल दिया क्या? नया नंबर लिखा. हाँ, हाँ, बता दी. हाँ? सेव करो तो. पता है क्या कर रही है? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ. तू इसके साथ कनेक्ट हो गई क्या? तेरी खबर लेता हूँ, तू घर चल मेरे साथ. फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? चल तू चल, मैं तुझे आज बताता हूँ. भाई बहने जैसे राखी बांध कर पैसा वसूलती है, हमने भी वैसे ही वसूल लिया. आज का अपना कलेक्शन 10 लाख तक हो गया यार. भाई सुन, पब में पार्टी होनी चाहिए. तो फिर देर किस बात की? लेट्स पार्टी. बोलो भाई. अरे यार, अपने रत्नागिरी को किसी ने बुरी तरह मारा है. वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज. ऐसा क्या? हे, इसकी माँ नहीं चाहती तो हम इसे मिलने क्यों आए हैं? हैं? अरे भाई इसकी हालत देख. अरे यार, AP और तेलंगाना जैसे अलग हुआ है वैसे इसके बॉडी का पार्ट भी अलग हो गया. तुझे किसने मारा रे? पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई है. अपना मुंह उस तरफ क्यों घुमा रहा है?
शर्म आ रही है क्या? शर्म की बात नहीं है, इसकी गर्दन अकड़ गई होगी। मुझे डाउट है यार, इसका टाइम पूरा हो गया लगता है। हाँ, कल नहीं तो परसों इसका श्राद्ध का खाना खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। मेरा जो पैसा बाकी था देगा क्या? फ्रेंड्स हो ना तुम लोग, फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है तुम्हें नहीं पता? फ्रेंडशिप के बारे में बात करियो तो ऐसा लग रहा है जैसे नित्यानंद स्वामी प्रवचन दे रहे हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने इससे मिलने के लिए मना किया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई। क्या कहा था तुमने? फ्रेंड हवा के झोंके की तरह होते हैं, अगर हवा ना हो तो इस दुनिया में कोई जी ही नहीं सकता। ऐसा क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, हम लोगों ने ही तुम्हें गलत समझने की भूल की। इसकी हालत ऐसी होगी कभी नहीं सोचा था। आप परेशान मत होइए, हुआ क्या है वो बताइए। कल से पूछ रही हूँ, ये कुछ भी नहीं बता रहा। फैमिली को तो नहीं बता रहा है लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करेगा। चल बताना क्या हुआ है। ए, तेरे से पूछ रहे, बोलना। अरे बोलना क्या हुआ? क्या यार, बता भी देना। बोलेगा क्या हुआ? क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। बहन की शादी करने के लिए छुपा कर रखा हुआ 10 लाख रुपया माँ से लेकर एक सुपर मार्केट खोला था। बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है क्या? सुपर मार्केट तो ठीक ठाक ही चल रहा है यार। हाँ तो फिर क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलना। इंटरेस्ट के लालच में जिसे मैं नहीं जानता था मैंने उसे भी कर्जा दे दिया। तो क्या 10,000 रुपया उधार हुआ होगा? 10 लाख यार। 10 लाख? ये तो बहुत है यार, ये तो बहुत है यार। गवर्नमेंट जिस तरह किसानों को पैसा दे रही है वैसे तू दे रहा है क्या? मैंने सोचा था वो लौटा देंगे। तुझसे जिन्होंने कर्जा लिया है वो छुप कर घूमेंगे लेकिन तेरे पैसे नहीं लौटाएंगे। हाँ एकदम सही बोला यार। डर लग रहा है यार, बहन की शादी नहीं रुक जाए कहीं। प्लीज कुछ करना यार। मार्केट में जो पैसा देता है वो अच्छी तरह से वसूल करता है, तो तू भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? मेरी माँ ने तुम्हें गाली दी इसलिए सोचा कि तुम लोग शायद आओगे नहीं। अबे ए, कभी गंजे को अपने बाल बनाते हुए देखा है? माँ ने डांटा तो फ्रेंड्स को छोड़ देगा क्या? तू रिकवर होने से पहले तेरा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। थैंक्स यार। चलो गंजे वाला लिस्ट बता। बताता हूँ। चलो यार। चल चलो यार, चलना। इसमें वो लिस्ट। हाँ, रविशंकर 5,116 रुपए, भवानी 10,116 रुपए, नारायण 6,117। ऐसे पढ़ रहे जैसे शादी में चढ़ावा चढ़ाते हो, ठीक से पढ़ना यार। सही का? अबे ठीक से पढ़ना कदे। बाबूराव 4,000 रुपए, मिस्टर ईगो 1,50,000। मिस्टर ईगो? राजमोहन रेड्डी पता है, जगनमोहन रेड्डी पता है, ये मिस्टर ईगो कौन है? मिस्टर ईगो? अरे ऐसे घबरा क्यों रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना। तो इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है वो। जैसे बच्चों को बलून पसंद है ना, वैसे उसे ईगो पसंद है। कुछ लोगों का ईगो तो कुछ ग्राम होता है, उसका ईगो तो कई टन में है। अरे हम जैसे लोगों का पैसा लेकर वो अय्याशी करता रहता है। एक बार को दाऊद से पंगा ले सकते हो पर उससे पंगा नहीं ले सकते। पंगा लेंगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा? समझ नहीं रहा। अरे पिंजरे में रहने वाले टाइगर को कोई भी देख सकता है, पिंजरे में जाकर फोटो खींचने वाला ही मर्द होता है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? इतना भी डायलॉग नहीं होगा तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी यार। वो कहाँ रहता है जल्दी बता। मैं उसके पास गया था पैसा मांगने तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बाकियों से वसूल कर उसे जाने देते हैं यार। चलो पहली रिकवरी उससे स्टार्ट करते हैं। ए, आर यू श्योर? अरे बोल वो कहाँ रहता है। अपना भाई आ रहा है, चलो गाना बजाओ। बात कर रहा हूँ और ये गाना बजा रहा है। हाँ आप बोलो क्या बात है। मारा क्यों? गाना क्यों बंद किया? अरे बात कर रहा हूँ तो उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी। मिस्टर ईगो हूँ मैं। भाई के ईगो के लोगो बनाए जाते हैं। मेरे ईगो को हर्ट करेगा तो मिट्टी में मिला दूंगा। जा गाना बजा। गाना नहीं बजाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? खत्म कर दूंगा। खत्म करेगा? खत्म करके दिखा। इस 2x2 को जरा अपना दम तो दिखा। हेलो, हाँ बोल भाई, तुम्हारी बहन कैसी है? तुम्हारा नया जीजा बोल रहा हूँ। क्या सोचा, क्या करेगा? गाना बजाऊंगा भाई। भाई फोन। हेलो, बोल कौन बोल रहा है? नमस्ते भाई, मेरा नाम बापी है। हाँ कहो, क्या बात है? एक छोटा सा मनी सेटलमेंट है भाई, उसे तुम ही सेटल कर सकते हो। सिटी में हर सेटलमेंट मेरे इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, घर आ जाओ वहीं बात करेंगे। थैंक यू भाई। ओके आ रहा हूँ। उसने घर पे बुलाया, खाना खिलाएगा क्या? उसके घर पे जाना है, चल जा।